अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे ओमान में कोरोना की वैक्सीन के मतलब, क्या ओमान आने के लिए कोरोना की वैक्सीन लगवाना लाजमी है और किस कंपनी की लगवाना होगी। सबसे पहले तो बताते चलें कि अभी तक ओमान गवर्नमेंट ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की। आज 23 मई 2021 इतवार का दिन है, अभी तक ओमान गवर्नमेंट ने, स्प्रिंग कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, किसी भी अथॉरिटी ने किसी किस्म का कोई रूल जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया कि जो लोग ओमान आ रहे हैं उनके लिए कोरोना की वैक्सीन लगवा के आना लाजमी है और सिर्फ इसी ब्रांड के लगवा के आना होगी। ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। और यह कि सोशल मीडिया के ऊपर तो फैसले हो चुके हैं, यानी जहाँ पर तंबाकू सेहत के लिए नुकसानदेह है वहीं पर सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है, नुकसानदेह है और सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है। तो ओमान गवर्नमेंट ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की और यह भी कि होपफुली नेक्स्ट 1-2 वीक में जो है ये अनाउंसमेंट हो जाएगी, क्योंकि जब ओमान में भी बड़े पैमाने के ऊपर वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो जाएगा और जहाँ पर बहुत सारे दूसरे ममालिक ने ऑलरेडी ये अमल स्टार्ट कर दिया है कि कोई भी बंदा एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करेगा तो उसके लिए फलां ब्रांड की जो है वैक्सीन वो लगवाना लाजमी होगा। तो ओमान को भी डेफिनेटली ये रूल बनाना पड़ेगा और ऐसा होना है, यानी अभी तक कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं है। जब रूल बन जाएगा और इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो इंशाल्लाह ऑफिशियली न्यूज़ हैं वो भी आ जाएंगी, तब जो है आपके लिए लाजमी होगा। स्पेशली क्या है कि ओमान में आने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है, यहाँ से जाने वालों की थोड़ी कम होती है। तो ओवरऑल यानी अभी क्योंकि टूरिज़्म बंद है, वरना तो दोनों ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो अभी फ्लाइटें भी बंद हैं, आपको पता है वीज़े भी बंद हैं। तो जब फ्लाइटें ओपन हो जाएंगी, हो सकता है तब तक जो है ना कोई अनाउंसमेंट हो जाए कि जो लोग ओमान में आएंगे उनके लिए यही कंपनी की वैक्सीन लगवा के आना लाजमी होगा। और उसके बाद क्या है कि बहुत सारे ममालिक में ये रूल भी है कि जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी हुई है उनके लिए नो क्वारंटाइन, यानी ना तो उनको कोरोना का टेस्ट करवाना होगा ना उनके लिए क्वारंटाइन होगा, वो आएँ अब सीधा अपने काम पर चले जाएँ। वरना पहले क्या होता रहा है, आपको पता है कि जो लोग आ रहे थे ओमान में उनके लिए लाजमी होता है कि वो 14 दिन क्वारंटाइन करें या 7 दिन या 10 दिन क्वारंटाइन करें। अगर टेस्ट जो है पॉजिटिव आ जाता है तो वो क्वारंटाइन फिर ज़्यादा हो जाता है। और ये भी कि एक टेस्ट मुल्क से करवा के हैं, दूसरा एयरपोर्ट के ऊपर होता है, तीसरा 8वें दिन होता था। तो अगर कोरोना की वैक्सीन लगी होगी तो ये तमाम मामला भी ख़त्म हो जाएंगे। सो जब तक ओमान गवर्नमेंट अनाउंसमेंट नहीं करती तब तक किसी भी खबर के ऊपर जो है कान मत धरें। जैसे ही अनाउंसमेंट होगी तो इससे ज़्यादा स्पीड में खबरें आना शुरू हो जाएंगी और आपको ऑफिशियल चैनल से या साढ़े वर्गे शरीफ इंसानों के थ्रू पता लग जाएगा। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।